हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कर्नाटक में हिजाब पहनने का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार सुबह कुंडापुर में एक कॉलेज के गेट पर 40 लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची थी, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ जिले के बैंदूर कस्बे में हिंदू लड़कों और लड़कियों को एक स्कूल में एंट्री से पहले उन्हें भगवा शॉल पहनाया गया। मामला शासकीय कॉलेज का है, जहाँ हिंदू संगठनों ने भगवा शॉल कैंपेन शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों के सपोर्ट में मुस्लिम लड़के धरने पर बैठे थे और कुंडापुर के एक कॉलेज में इंस्ट्रक्शन मैनुअल में यह निर्देश था कि लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति रहेगी, लेकिन उसका कलर स्कूल के यूनिफॉर्म के रंग का होना चाहिए। लड़कियों को एंट्री नहीं मिली। एक तरफ जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा शॉल के समर्थन में पहुंचे थे, वहीं मुस्लिम लड़कियां अपनी हक की लड़ाई खुद स्कूल कॉलेज के सामने धरने पर बैठकर लड़ रही थीं। इनका साथ वहां देने के लिए कोई नेता या फिर कोई मुस्लिम संगठन नहीं आया आगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन स्कूल कॉलेजों में ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, आखिर इनके दिमाग में हिजाब के खिलाफ जहर किसने घोला? जो बच्चे कल तक एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर स्कूल जाते थे, आज उनके दिल दिमाग में भगवा और हिजाब का बंटवारा कैसे हो गया? क्योंकि हिंदू लड़कियां और अब भगवा शॉल ओढ़कर भी पहुंचने लगी हैं। भी हिजाब काटते नहीं है। हमारा हक को हिजाब डालने का, इतने साल से भी डाल ले बहुते, हमें आज भी डालती, आगे भी जब डाल लेती बोले हमें, लेकिन फिर भी उन्होंने बात सुने नहीं हमारी बात। फिर हमें फोन दे जान दे को ओ चुप बैठे हमें, फिर उन्होंने क्या बोले, तुम्हारा डिसीजन हुआ नहीं तो पेरेंट्स को बुलाओ बोले। हमें पेरेंट्स को बुलाए, कल पेरेंट्स मीटिंग हुआ, कल पेरेंट्स मीटिंग में क्या बोले उन्होंने, पेरेंट्स बहुत क्वेश्चन करे उनको हिजाब डाले को आना नहीं, हिजाब कई को तुम्हारा हिजाब क्या, हिजाब कई को इम्पोर्टेंट हो, क्या है हिजाब में, जस्ट वेल ना हो सब बोले। हमना होता नहीं, हमना हिजाब भी होना, एजुकेशन भी होना बच्चा का। तुम ऐसा करे तो हमारे साथ क्यों, हमारे बच्चे एजुकेशन होना नहीं की, अन एजुकेशन होना की, तुम्हारे हर फेस्टिवल मनाती, हमारा भी हिजाब हमारा भी एक फेस्टिवल के जैसा, हमें हमना भी डालने दो, ऐसे सब भी बोले रहते उन लोग। तुम्हारे हर बात कौन सी बात को तो भी आती हमें नहीं, हमना भी हमें आराम से इतने साल से डालने वाले को थे, अब आप भी डालने को ही आगे भी डाल लेती मुको बोले। हाँ जान दे वो पेरेंट्स के सामने क्या भी डिसीजन करे नहीं बच्चा, लेकिन क्या करे, नोटिस आया हमने दोपहर में, जस्ट क्या बोल को सभा हिजाब डाले कर तो कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं। टीचर सर कने प्रॉब्लम है कि पूछे, टीचर सर कौन भी हमना प्रॉब्लम नहीं बोले हिजाब, बच्चा कने भी पूछे हमें, बच्चा को भी प्रॉब्लम नहीं बोले, सरकार को मतलब प्रॉब्लम देते, क्या प्रॉब्लम वो को बोलो, क्या तभी हुआ हिजाब से, क्या तभी नक्को से कौन सी चीज हुआ हिजाब से, क्या तभी प्रॉब्लम है, हमें हिजाब डाल लेती चुप क्लास में बैठती, आवाज होते हिजाब से नहीं, क्या भी तभी होते ही डिस्टर्ब होते हैं क्लास में नहीं, क्या भी होता नहीं, जस्ट हिजाब डाल ले को हमें बैठने